आज हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण पर्वत पठार और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में। बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पे है, किस राज्य में है और उस पर्वत पठार से कौन सी नदी निकलती है और किस दिशा में निकलती है। आज उस सारी बातों को मैप से समझेंगे और उसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम अरावली के पहाड़ियों के बारे में समझेंगे। अरावली के पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है और ये सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। अरावली की सबसे ऊंचा चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है और इस अरावली के पूरब की ओर बनास नदी निकलती है और इस अरावली के पश्चिम की ओर माही नदी और लूनी नदी निकलती है। एक बार और समझे ठीक से, अरावली के पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं, इसके पूर्व में बनास नदी निकलती है, इसके पश्चिम में माही नदी निकलती है और लूनी नदी निकलती है और यह लूनी नदी राजस्थान के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। दूसरा पर्वत है सतपुरा की पहाड़ियाँ। सतपुरा के पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इस सतपुरा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी धूपघटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। याद रखिएगा, सतपुरा की पहाड़िया मध्य प्रदेश में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपघटी है और इस पहाड़िया के पूर्व में पूर्व हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। तीसरे पठार के बारे में बात करेंगे तो तीसरा पठार है मैकाल की पठार। ये मैकाल की पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है और यह मैकाल की पठार पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। याद रखिएगा, मैकाल का पठार एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। याद रखिएगा, इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। पठार के बारे में बात करेंगे तो चौथा पठार है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार ये झारखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर यानी खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न पठार माना जाता है, कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का रूर किस पठार को बोलते हैं? छोटा नागपुर की पठार, और ये झारखंड में स्थित है। पाँचवें पठार के बारे में बात करेंगे तो पाँचवा पठार है दक्कन का पठार और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह दक्कन का पठार एक ज्वालामुखी विशाल चट्टानों से बना हुआ है। याद रखिएगा, दक्कन का पठार किस चट्टानों से मिलकर बना है? तो विशाल चट्टानों से मिलकर बना है। एक बात और याद रखिएगा, इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है काली मिट्टी का क्षेत्र है। याद रखिएगा, काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। और इसके पश्चिमी भाग को सह्याद्री बोला जाता है और इसी सह्याद्री क्षेत्र से कृष्णा नदी निकलती है। याद रखिए एक बार और, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ बोलते हैं, पश्चिमी भाग को सह्याद्री बोलते हैं और इसी सह्याद्री श्रेणी से कृष्णा नदी निकलती है। छठे पठार के बारे में बात करेंगे तो छठा पठार है धारवाड़ का पठार और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन ये आता है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसी पठार पे दो पहाड़ियाँ जो पूछी जाती है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। याद रखिएगा कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ किस पठार पे है? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है।
सातवें पहाड़िया के बारे में बात करेंगे तो सातवीं पहाड़िया है नीलगिरी की पहाड़िया, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक बात याद रखिएगा, ये नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है। एक कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्कोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डेरा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहला है अनाईमुदई, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। आठवें पठार के बारे में बात करेंगे तो आठवां पठार है मालवा का पठार। याद रखिएगा, मालवा का पठार, और ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच में स्थित है। इसके पूर्व की ओर, याद रखिएगा, इसके पूर्व की ओर चंबल नदी निकलती है। याद रखिएगा, उस पर नहीं है, छूट गया है। चंबल नदी निकलती है और बेतवा नदी निकलती है। याद रखिएगा कि बेतवा नदी और चंबल नदी किस पठार से निकलती है? तो मालवा के पठार से निकलती है। मालवा का पठार कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। मैंने लगभग सारे पर्वत पठारों और उससे निकलने वाले नदियों के बारे में बता दिया हूँ, जो एग्जाम में पूछी जाती है। आप इस वीडियो को एक से दो बार देखिए और समझिए, और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करिए।